हाँ भाई, गुड मॉर्निंग सभी, सुप्रभातम सभी बच्चों को, नमो नमः। देखो अपन ने क्या काम किया था, सबसे पहले संस्कृत का सामान्य परिचय, संस्कृत के सामान्य परिचय के बारे में जानकारी की थी। उसके बाद में हमने माहेश्वर सूत्र पढ़े थे। माहेश्वर सूत्र किस काम में आते हैं, संधि के रूप में। संधि का ज्ञान होगा तभी आप, माहेश्वर सूत्र का ज्ञान होगा तभी आप संधि का काम कर सकते हैं, क्योंकि उसमें प्रत्याहार बनाना आना चाहिए, वो भी आपने काम कर लिया। उसके बाद में संधि पूरी पढ़ ली, चार नंबर की आती है। उसके बाद में हमने समास पूरे किए। तीसरा टॉपिक हमारे था घटी का, जो आपके दो नंबर का आती है, और प्रश्न संख्या ये हमारे 22 पर आती है। प्रश्न संख्या किस पे आती है, 22 पे। प्रश्न संख्या 22 पे हमारे आता है कौन सा प्रश्न आता है, घटिका का, जो हमारे कितने नंबर का होता है, दो नंबर का होता है। सबसे पहले ध्यान रखने की एक बात है, घटिका में हमारे ये सुई वाली जो घड़ी होती है, ऐसी घड़ी में आपको सबको समय देखना आना चाहिए। यदि आपको सबको समय देखना आता है तो निश्चित रूप से आपका दो नंबर का क्वेश्चन बिल्कुल ठीक हो जाएगा, क्योंकि ये तो सामान्य बात है। ऐसी घड़ी आती है बनी हुई, दो घड़ी आएगी, ठीक है, एक दो ऐसे, ठीक है। तो मैंने आप कितनी घड़ी बोर्ड पे बना दी है, आपके तीन छः घड़ी बना दी, सभी तरह के मैंने प्रश्न बना करके इसमें बता दिए, क्योंकि उसमें लिखा हुआ नहीं है कितने बज गए। ऐसे इस घड़ी में आपको समय देखना आना चाहिए था। लगभग 10th में पढ़ने वाला भैया बहनों को सबको समय देखना आता ही होगा निश्चित रूप से, तो आपके दो नंबर का क्वेश्चन में कोई गलती नहीं होगी, ठीक है। इसके बाद में प्रश्न संख्या 22 पे आता ही है। इसके बाद में जैसे हमने सबसे पहले ये आना चाहिए, जो बजे होता है, बजे उसको संस्कृत में क्या बोलते हैं, बजे को बोलते हैं वादनम या वादने, हो गया, ठीक है। वादने तो कहाँ आता है, कहीं वादने कहीं वादनम, वादने तो आता है वाक्य, ठीक है, और वादनम आता है सीधा जो लिखा जाता है उसमें आपके आता है वादनम, सीधा आता है तो वादनम आता है, वाक्य में वादने आता है, ठीक है। ये हमारे सामने ध्यान रखने की बात है, क्योंकि परीक्षा में वाक्य आएगा। जैसे इसमें आ गया कि कितने बज रहे हैं, इसमें सबको पता है, सब जानते हैं कितने बज रहे हैं, ये पूरे 3 बज रहे हैं। जैसे मैं 3 बजे बाजार जाता हूँ, ऐसे लिखा हुआ था, अहम, अब खालिस्तान आ गया, अहम, फिर खालिस्तान आ गया, वादने आपणम गच्छामि, मैं 3 बजे बाजार जाता हूँ, तो आपको इसकी समय देखना आना चाहिए कितने बजे, 3, तो आपको केवल क्या लिखना है, त्रि लिखना है कोष्टक में, खालिस्तान में केवल पूरा वाक्य लिख देंगे, अहम त्रिवादने आपणम गच्छामि, मैं 3 बजे बाजार जाता हूँ, ठीक है। इसके बाद में है समय के बाद में, बजे हो गए कितने बज रहे हैं, इसके बाद में मान लीजिए आपके सब आ गया, सवा को बोलते हैं संस्कृत में सपाद, क्या बोलते हैं, सपाद, और आधा जो होता है साढ़े, साढ़े को बोलते हैं सात, क्या बोलते हैं, आधा या साढ़े। इसके बाद में आपके पौने, पौने को संस्कृत में बोला जाता है पादुन, क्या बोला जाता है, पादुन, ठीक है। इसके बाद में ये हो गया सवा, साढ़े, पौने, 3 प्रकार के हो गए बजे को वादना। फिर मिनट जैसे होती है, मिनट को क्या लिखते हैं भाई, मिनट को लिखते हैं या तो कला लिख देंगे या पल से। इसके बाद में मान लीजिए आपके सेकंड वाला प्रश्न आता ही है, क्योंकि इसमें सेकंड का आना चाहिए, किसी ने पूछ लिया घटी का पढ़ लिया, ऐसा पढ़ ली, सेकंड को संस्कृत में क्या कहते हैं, और ये तो गुरु जी ने बताया नहीं था, ये भी आपको आवश्यक है। कई चीजें क्या सामान्य बात है आपकी परीक्षा लेने के लिए, तो आपकी परीक्षा लेगी तो गुरु जी की परीक्षा होगी निश्चित रूप से, ये देख लो आप, तो सेकंड की संस्कृत आना चाहिए, क्या सेकंड की, विकला, क्या हो जाएगा, विकला। अब इसमें देखो आप सेकंड वाली सुई है क्या, नहीं है, ऐसे बोर्ड के पेपर में दो ही सुई पड़ी हुई आएगी, एक तो घंटे वाली और एक मिनट वाली, ठीक है। ऐसे छोटी वाली जो सुई होती है वो घंटे की होती है, इससे बड़ी वाली होती है वो मिनट की होती है, ठीक है, ये ध्यान रखना, ये हमारा इतना आना चाहिए। अब आपको कोई दिक्कत ही नहीं है, जैसे मैंने लिख दिया यहाँ 1 बज गया, कितने बज गए, 1, तो आपको क्या लिखना होगा, 1 वादने, कितने लिखेंगे, 1 वादने, 1 वादने, ये हो गया।
दो बज रहे हैं तो क्या लिख देंगे, दिवादने, दिवादने। तीन त्रिवादने, क्या लिख देंगे, त्रिवादने। चार हो गए तो अब इसमें गलती हो जाती है, ये रे को तो ते के ऊपर लगा दिया जाता है, ठीक है, क्या लिखेंगे, चतुर्वादने, ये ध्यान रखना। पांच को पंचवादने, पंचवादने हो गया। फिर इसके बाद में छह को क्या लिखेंगे, छह को छह लिख दिया, छह को क्या लिखेंगे, षड्वादने, क्या लिख देंगे, षड्वादने। इसमें भी गलती हो जाती है, इसमें क्या लिख देते हैं, षष्ठ। सात को सप्तवादने, आठ को अष्टवादने, नौ को नववादने, ठीक है, दस को दसवादने। इसमें दस को लिख दिया, दसवादने हो गए। ग्यारह को लिखेंगे, एकादशवादने, ग्यारह को एकादशवादने, एकादशवादने, और बारह को द्वादशवादने, ठीक है, ये मैंने लिख दिया। अब सबसे पहले हमारे प्रश्न आता है, मैंने बताया था कि समय देखना आना चाहिए, तो यहाँ आ गया अहम खालिस्तान आ गया, इतने बजे खा जाता हूँ, बाज आ जाता हूँ, आपड़म गच्छा में, तो आपको तीन लिखना है। फिर इसके बाद में दूसरी घड़ी क्या कहती है, दूसरी घड़ी में देखो क्या है, दूसरी घड़ी ने कहा कि कितने बज गए, चार बज के पंद्रह मिनट होगी, तो पंद्रह मिनट होगी तो उसको पंद्रह को क्या बोलते हैं अपन, सपाद। तो उल्टे क्रम में लिखते हैं अपन, ये उल्टे क्रम में लिखेंगे संख्या को, तो यह क्या हो जाएगा, सपाद। पहले क्या लिखेंगे, सपाद, और कितने बज गए, चार, सपाद चतुर्वाद में, केवल आपको सपाद लगाना है सामने, ठीक है, सपाद चतुर्वाद में हो गया, ठीक है। इसके बाद में अगली सुई क्या कहती है, अगली सुई कहती है हमारे, देखो अगली घड़ी कौन से नंबर की घड़ी आ गई, अगली ये आ गई तीन नंबर की, ये दो नंबर की होगी, ये एक नंबर, तीन नंबर की घड़ी में बज रहे हैं कितने, बताओ आप कितने बज गए इसमें, कितने बज गए, ये छह के सामने पड़ी तो बिल्कुल सीधी है, और ये सात से आ गए, सात और आठ के बीच में, यानी कि साढ़े सात बज गए, साढ़े सात बज गए, तो अब इसमें आ जाएगा, मैं साढ़े सात बजे विद्यालय जाता हूँ, मैं साढ़े सात बजे विद्यालय जाता हूँ, अहम या हम आज साढ़े सात बजे विद्यालय जाते हैं, बालक साढ़े सात बजे खड़े होते हैं, बालक घूमने जाते हैं, तो कुछ भी प्रश्न आएगा तो यहाँ आ जाएगा अहम, मैं, खालिस्तान, सार्द, सार्द कितने बज रहे हैं ये, साढ़े सात, तो सार्द सप्तवादने, अहम सार्द सप्तवादने विद्यालय गच्छामि, ऐसे प्रश्न आता है, क्योंकि इसमें आपको क्या लगाना है, केवल ये साढ़, साढ़े का मतलब साढ़ होता है, कितने बज रहे हैं इसमें, साढ़े सात, सात की संस्कृत क्या होती है, सात की देखो क्या है, सप्त, तो साढ़ सप्तवादने हो गया, पूरा पूरा उतारना है इसको, वाक आता है उसको उतार लो, खाली स्थान में जो भर दो, ठीक है। तीसरी घड़ी क्या कहती है, तीसरी घड़ी ने, चौथी घड़ी, चौथी घड़ी ने देखो कितने बज रहे हैं, ये तो ग्यारह और बारह के बीच में बड़ी सुई तो, और ये नौ के सामने है छोटी, तो कितने बज गए बताओ आप, कितने बज गए, ये सुई, यदि ये सुई घूम करके यहाँ आती है कितने बजते हैं बताओ, बड़ी सुई किस पे होती है, बड़ी सुई, अब इसमें थोड़ा सा अंतर है, मान लीजिए कितने हुए इसमें आपके, ये मान लीजिए सुई यहाँ होती, ये देखो अब देखो, ये उल्टी सुई बन रही थी, इसमें देखो आप, ये नौ, अब ये किस पे है बड़ी सुई, नौ पे, और ये किस पे है, ग्यारह और बारह के बीच में, इससे बड़ी वाली है, ये छोटी है, ये छोटी है और ये बड़ी है, अब यहाँ इसमें समय कितना हो गया देखना है आपको, यानी कि पौने बारह बज गए, कितने बज गए, पौने बारह, क्यों बज गए, क्योंकि आपके बड़ी सुई और छोटी सुई दोनों का अंतर का ध्यान रखना है, और तीन पैंतालीस जैसे होते हैं, चार पैंतालीस, तो छोटी सुई किस पे होती है, छोटी सुई जिसके अंक होते हैं उसके सामने होती है, और बड़ी सुई कहाँ होती है, नौ के सामने, ये तो बड़ी है ये छोटी है, ध्यान रखना ये छोटी है, ठीक है, और ये थोड़ी बड़ी है, अब देख लो आप, तो कितने बज गए ये,
कितने बज गए, पौने बारह। तो पौने बारह कैसे लिखेंगे, आप लिख देंगे पौने बारह को पादों लिखते हैं, और द्वादश पादोन द्वादश वादने, पादोन द्वादश वादने, पादोन द्वादश वादने हो गया, ठीक है। इसके बाद में पादोन द्वादश वादने के बाद में इस घड़ी में देखना आपको कितने बज रहे हैं, इसमें कितने बज रहे हैं, इसमें बज रहे हैं आपके, ये छोटी सुई तो तीन से ज्यादा है और बड़ी सुई सात के सामने है, यानी तीन बज के पैंतीस मिनट हो गई, तीन बज के पैंतीस। इसको किससे लिखते हैं हम, आप सीधा लिख सकते हैं, पर सीधे में जैसे आपने लिख दिया साढ़े सात बज के पांच मिनट हो गई ज्यादा, ऐसे तो क्या है थोड़ा ठीक नहीं है, तो आप क्या कहेंगे तीन पैंतीस कहेंगे, तीन पैंतीस। तो हमारी ध्यान रखने की बात है, एक से चौदह मिनट तक अगले अंक में कम होती है तो वहां तो लिखते हैं न्यून से, ठीक है, और बाकी को अधिक से लिखते हैं। तो इसमें एक से चौदह मिनट तक अगले अंक में बजने में क्या काम नहीं है, क्योंकि यहाँ तो कितने मिनट है, पैंतीस से पच्चीस मिनट अगले अंक में बजने में। तो यहाँ मान लीजिए पैंतीस हो रहे हैं, यहाँ इस ध्यान देना पैंतीस हो रहे हैं, तो आप सीधा लिख देंगे क्या लिख देंगे, सात बज के पैंतीस मिनट होगी, तो क्या लिखेंगे सत, सप्त, क्या लिख देंगे सप्त, और मिनट को क्या बोलते हैं कला, ये रहा सप्त कला, और कितने हो गए सात से अधिक कितने हो गए पैंतीस, सप्त कला अधिक, सप्त कला अधिक यानी कि सात बज के कितने मिनट होगी तीन मिनट होगी, यानी कि पैंतीस मिनट होगी, पंच कला अधिक कितने हो जाएगी पैंतीस, पंच कला अधिक सप्तवादने, पंच कला अधिक सप्तवादने, ये आ जाएगा लिखा, ठीक है, क्योंकि सात बज के पैंतीस उल्टे क्रम में लिखते हैं, पहले किसके लिखेंगे सात पैंतीस, ये है किसके लिखेंगे पहले पांच की फिर तीस की, तो कह रहे पंच त्रिशत पैंतीस मिनट, पंच त्रिशत कलाधिक सप्तवादने, यानी कि सात बज के पैंतीस मिनट। अब इसमें देखो आप छठी जो सुई है ये तो होगी चौथी पांचवी, और छठे नंबर की घड़ी है उसमें स्पष्ट दे रखा है कितने हुए, इसमें इसमें हो रही है आपके कितने मिनट हो रही है भाई, दस मिनट हो रही है, तो अगले अंक में कितने मिनट कम है, अगले अंक में बजने में पांच मिनट कम है, तो आप सीधे लिख देंगे इसमें तीन बज के दस मिनट होगी, इसमें तीन बज के दस मिनट होगी, इसमें अधिक से लिखेंगे दस कला, दस कला अधिक त्रिवाद में, ठीक है, और कम वाली और मैं बढ़ा देता हूं, कम का मतलब ये हो गया मान लीजिए ये सुई है ना, ये छोटी वाली सुई ये तो हो गई हमारे ये लो, ऐसे बन गया, यानी कि हमारे दो बजने में कितने मिनट बज रही है दस मिनट, अगले अंक में एक से चौदह मिनट कम होती है तो न्यून से लिख देंगे, तो दस कला न्यून दिवाद ने, दस कला न्यून दिवाद ने, दस बजने में दो बजने में दस मिनट कम है, ठीक है। और मान लीजिए ये इस पे आ जाती है किस पे ग्यारह पे, तो कितने मिनट कम है दो बजने में पांच मिनट कम है, क्या लिख देंगे यहाँ पंच, पांच मिनट कम है, कम को क्या लिखते हैं, कम को क्या लिखेंगे बताओ, कम को लिखते हैं न्यून, ये कम हो गया, कम को न्यून, अधिक को अधिक से लिखते हैं या पंच से लिखते हैं, तो यह लिख देंगे पंच कला न्यून, कला का नाम पंच कला न्यून दिवाद में, ठीक है, ये ध्यान रखना। ये हमारा घटी का वाला जो टॉपिक था वो पूरा हो गया, कोई दिक्कत नहीं है आराम से, फिर भी कोई दिक्कत है तो आप पूछ लेंगे, पीडीएफ मैंने डाल दी, केवल आपको समय देखना आना चाहिए, ठीक है, आज का इतना ही बहुत, इसके बाद में हम अगले वीडियो में हम देखेंगे वाच वाला टॉपिक।